नमस्कार, पब्लिक एशिया न्यूज में आपका स्वागत है। जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के गांव लोधीपुर शोभना गांव का है, जहां राशन डीलर भोले भाले ग्रामीणों का कर रहा है शोषण। जहां एक तरफ सरकार गरीबों के हित में इतनी सारी योजना चला रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ राशन डीलर कर रहे हैं अपनी मनमानी। शासन प्रशासन का उन्हें डर बिल्कुल भी नहीं है। गांव लोधीपुर शोभन का राशन डीलर मुन्नी देवी ग्रामीणों को कम दे रही है राशन। जहां एक तरफ सरकार द्वारा यूनिट 5 किलो है, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों का यह आरोप है कि राशन डीलर उन्हें 4 किलो यूनिट दे रहा है। धांधली को लेकर हमारे संवाददाता ने कुछ ग्रामीणों से बातचीत की, सुनिए क्या कहा ग्रामीणों ने। क्या नाम आपका? महर सिंह। कौन से गाँव निवासी? लोधीपुर शोभन। क्या समस्या आपकी? समस्या यह है जी, 10 किलो अनाज मिलना चाहिए, 2 यूनिट पे 9 किलो देता। अगर उससे कहते हैं कि जो है वही 10 किलो दे, तो कहता पीछे से 1 किलो कम आ रहा। क्या नाम राशन डीलर का? राशन डीलर का नाम है मुन्नी देवी। ओके। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार। कौन से गांव निवासी आप? लोधीपुर शोभन। क्या समस्या आपकी? 20 किलो पे हमें 19 किलो मिलता है। क्या यूनिट आपकी? 4 यूनिट। 4 यूनिट पे आपको कितना देता है? 1 किलो कम देता। क्या नाम राशन डीलर का? मुन्नी देवी। कब से दे रहे हैं भाई? जब से मशीन आई है उसी से प्रॉब्लम है। क्या नाम है जी आपका? दयाचंद। कौन से गाँव निवासी आप? लोधीपुर शोभन। क्या समस्या आपकी? राशन नहीं लग पूरा। क्या यूनिट आपकी? 5। कितना राशन दे रहा है आपको? 18 किलो। क्या नाम है राशन डीलर का? मुन्नी देवी। क्या नाम है आपका? बॉबी। कौन से गाँव निवासी हो? लोधीपुर शोभन। क्या समस्या आपकी? राशन कम मिल रहा है हमें। क्या यूनिट आपकी? 4। 4 यूनिट में कितना राशन दे रहे हैं आपको? 18 किलो मिल रहा। कब से दे रहे हैं ये? ये तो काफी दिन से मिल रहा। क्या नाम राशन डीलर का? मुन्नी देवी। देविंदर। कौन से गाँव निवासी हो? लोधीपुर शोभन। क्या समस्या आपकी जी? 35 किलो राशन मिलता है, 30 किलो देवे, 5 किलो को बोलता है मैं मुझे चाहिए। और क्या नाम राशन डीलर का? मुन्नी देवी। ताजा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहे हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूले। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस।